जानवी कपूर ने शादी के लिए पूरी तरह से बना लिया है अपना मन। बताया कि आखिर किस तरह से होगी उनकी शादी, बस अब इंतजार है तो दूल्हे राजा का। आखिर क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। एक्ट्रेस जानवी कपूर फिलहाल बॉलीवुड में अपना करियर सेट करने में लगी हुई है। जानवी ने अभी तक जितने भी फिल्में की है उस हिसाब से वो हर एक फिल्म के साथ बेहतरीन एक्ट्रेस बन रही है। लेकिन इसके साथ ही जानवी का अपनी शादी को लेकर भी पूरा प्लान तैयार है। जी हाँ, हाल ही में जानवी ने अपना पूरा वेडिंग प्लान बताया है। जानवी ने बैचलरेट पार्टी से लेकर शादी तक की पूरी तैयारी की है। दरअसल जानवी ने पिकॉक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो चाहती है कि उनकी बैचलरेट पार्टी कैप्री में यॉट में हो और शादी तिरुपति में, उनकी मेहंदी और संगीत सेरेमनी मयिलापुर में हो। जानवी ने ये भी कहा कि उन्हें रिसेप्शन को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जानवी ने कहा, रिसेप्शन जरूरी होता है क्या? नहीं ना, तो छोड़िए रिसेप्शन। शादी की डेकोरेशन को लेकर जानवी ने कहा, शादी का डेकोरेशन ट्रेडिशनल लेकिन सिंपल होगा। मोगरा और मोमबत्तियों से डेकोरेशन होना चाहिए और दो दिन में पूरी शादी हो जाए। जानवी से पूछा गया कि उनके ब्राइड्समेड कौन होगी तो उन्होंने खुशी कपूर और अंशुला कपूर का नाम लिया। इसके साथ ही जानवी ने कहा, मेरी शादी में खुशी और पप्पा इमोशनल हो जाएंगे तो ऐसे में अंशुला दीदी सब संभाल सकती है। अपने वेडिंग आउटफिट को लेकर जानवी ने कहा, मैं कांजीवरम या पट्टू पावडाई साड़ी पहनूंगी और वो गोल्ड की होगी। मेहंदी आउटफिट पिंक कलर का होगा और संगीत का आउटफिट येलो कलर का। जानवी ने आगे कहा, मेरा पति समझदार होना चाहिए क्योंकि मैं अभी तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिली हूँ। तो जानवी की इन बातों को सुनकर ये तो पता चल गया है कि उन्होंने अपनी शादी की पूरी तैयारी कर ली है और अब अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो है उनका प्यारा सा समझदार दुल्हा। फिलहाल आप हमें बताएं जानवी के इस वेडिंग प्लान पर आपकी राय। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। आल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।